देवास रोड के मुंगी चौराहे पर एक निजी होटल में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को बजरंग दल के विरोध के बाद रद्द करना पड़ा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 70 से अधिक युवतियां उज्जैन पहुंची थी। होटल में इंडियन हेल्थ ब्यूटी अवार्ड के तहत कार्यक्रम होना था, जिसके लिए बाकायदा एडवांस देकर होटल बुक था, लेकिन प्रोग्राम से एक शाम पहले ही परमिशन न होने का हवाला देकर रद्द करना पड़ा। नहीं भैया, एक्चुअली मेरा प्रोग्राम था तो मैंने उनसे कहा था, जब मैंने बुकिंग के लिए वो लोग आए थे कि आप लोग जो है ये इवेंट, एक्चुअली वो इवेंट कर रहे थे यहाँ पर कि उनका कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट था और कुछ उनका सब, तो मैंने कहा आप इवेंट कर रहे हैं तो आपको इसकी परमिशन लेके आना पड़ेगी। तो वो मेरे से बोल के ऐसे चले गए थे। फिर वो कोठी पे गए थे, कोठी में उन्होंने SDM ऑफिस में आवेदन दिया था वहाँ पे, और वहीं से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया और इसकी हार्ड कॉपी मेरे मैनेजर को देखे भी गए थे वो। तो मुझे वो लगा कि शायद परमिशन आ गई है, बाकी एक्चुअली मुझे कल शाम को मालूम हुआ कि ये परमिशन नहीं है, ये तो सिर्फ आवेदन था। तो मैंने कल शाम को उनको 7 बजे फ़ोन लगा के बोल दिया था मैडम को कि मैडम ये परमिशन नहीं है आपकी, आवेदन है, आप परमिशन लेके आ जाइए, मैं आपका प्रोग्राम कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बात मैंने आज सुबह भी उनको कही कि आप परमिशन लेके आ जाइए, मुझे कोई। रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जानकारी मिलने के बाद कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। बजरंग दल के मुताबिक शहर की लड़कियों को श्रृंगार के नाम पर रैंप वॉक कराने की सूचना थी और इस कॉन्टेस्ट में अश्लीलता फैलाने की भी जानकारी थी। आपत्ति इसलिए ली गई है बजरंग दल को जो सूचना लगी कि यहाँ पे इंडियन ब्यूटिशियन के नाम से यहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला है, जो कि यहाँ पे अश्लीलता परोसी जा रही थी यहाँ पे, जिसको बजरंग दल इसका घोर विरोध करता है, इसको लेकर यहाँ पे इस कार्यक्रम को रोका गया है। जिसमें सीमा हुसैन करके जो लड़की है और एक दिल्ली से आने वाले थे इनके गेस्ट, उनको लेकर यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ की हिंदू उज्जैन की हिंदू लड़कियों को या और भी नाबालिग लड़कियों को यहाँ पे रैंप पे चलाया जाता, जिसका बजरंग दल घोर विरोध करता है। वहीं दूसरी ओर आयोजकों ने होटल संचालक पर पैसे एडवांस में लेने के बाद भी कार्यक्रम नहीं कराने का आरोप लगाया है। सीमा हुसैन ने बताया कि होटल संचालक ने पहले कहा था कि 100 लोगों के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में परमिशन का बहाना लगाकर कार्यक्रम रद्द करवा दिया। उनका काफी खर्चा भी हो चुका है। मैंने पूछा उनके लिए, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा इस प्रकार बताया था, मेकअप कॉम्पिटिशन है, हमारी जो ब्यूटिशियंस है वो उन लोगों को हम पहले सेमिनार देंगे, उनको सिखाएंगे, उसके बाद वो ब्यूटिशियन एजुकेशन देंगे, उन लोग कुछ नया सीखेंगे कि हाँ हम इतना ये नहीं जानते थे, अब कुछ नया देख रहे हैं, वो सीखेंगे, उसके बाद वो मॉडल रेडी करेगी। पूरे भारत से आए थे, पूरे हिंदुस्तान से थे, और नेशनल शो पहली बार उज्जैन में हो रहा था, और इससे हमारे उज्जैन में जितने भी ब्यूटिशियंस हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलता और बहुत उनको बहुत सारी सीखने को मिलती है कि उज्जैन में इतना अच्छा शो हो रहा है और इतनी कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिल रही, उनकी इनकम जनरेट होती और आने वाला सीजन जो अभी 10 दिन के बाद से उनकी इनकम बढ़ती, और हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको, उनको इनकम जनरेट कर रहे हैं ताकि उनको इस लाइन में काम करके वो बहुत अच्छे से पैसे कमाएँ और बहुत एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं। जी सर, विरोध में इस तरह से कदम उठाना चाह रही हूँ कि ये जो इतने लोग आए हैं वो उन लोग के दूर से आए हैं, कोई इतने बैग लेके आ रहे हैं, कोई ट्रेन से टिकट, कोई किसी का पैसे नहीं है, लेकिन इस कंपटीशन में उनको जो अवार्ड मिलेगा, उस कंपटीशन में जो उनको अवार्ड मिलेगा, जब वो अवार्ड मिलेगा उनकी जब उनकी प्रमोशन होगी तब उनके पास क्लाइंट आएंगे, उनका इनकम जनरेट होगा, और उस कंपटीशन के लिए उन लोग बेचारे कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ के किस तरह से तैयारी करके आए हैं, इन लोग ट्रेन से का टिकट फिर कैसे काट के जाएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक बात में मुझे 2 दिन पहले बोल देते कि आपको हम परमिशन के लिए, आपने फिर मुझे मेरे को होटल दिया क्यों, आप परमिशन SDM का आप साइन लेके आओ, होटल आपने बिना SDM का साइन का क्यों दिया, ये ऑप्शन बाद में क्यों बोला, आपको लेटर में साइन करना नहीं चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 70 से अधिक महिला प्रतियोगियों को भाग लेना था। आयोजकों के मुताबिक ये ब्यूटिशियन का सेमिनार था, लेकिन एंड वक्त पर होटल संचालक ने कार्यक्रम रद्द करवाया, लिहाजा होटल संचालक के खिलाफ आयोजनकर्ता ने शिकायत की है। वहीं होटल संचालक का कहना है कि उन्होंने आवेदन को परमिशन मान लिया था। पंजाब केसरी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।